हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टतर सत्य श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत को दंडवत अर्पण करता राधा बिनोद बिहारी चंद्र। हम लोग ये चैतन्य चरितामृत शुरू किया है, ठीक है। ये जो चैतन्य चरितामृत है ये कौन लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। कौन लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये सब नाम याद रखना चाहिए। इन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो सबसे पहले साधारण मंगलाचरण किया। क्या किया? ग्रंथकार ने सबसे पहले साधारण मंगलाचरण किया। क्या कह रहे हैं कि वंदे गुरु नीस भक्तानी समीश्वर अवतारकम् तद प्रकाशांश्च तद शक्ति चैतन्य संज्ञकम्। छह प्रकार के गुरुवर्गों को प्रणाम किया। क्या कह रहे हैं? गुरुवर्ग भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, भगवान के प्रकाश और अंशों, भगवान की शक्तियों तथा श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वयं भगवान, इन अभिन्न वर्णात्मक छह तत्वों को मैं प्रणाम करता हूँ। ग्रंथकार ने छह तत्वों को प्रणाम किया। छह तत्व कौन कौन सा है? समस्त गुरु वर्ग, गुरु नीश मतलब समस्त गुरु वर्ग, समझ में आया? भगवान के जितनी शक्तियां हैं, भगवान के जितने अवतार हैं, गिन रहे हैं कि नहीं? क्या क्या? जितने अवतार है और अंश, भगवान के अंश, और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु और भक्त, कितना हुआ? तो ये छह तत्व को प्रणाम किया वंदना आत्मक मंगलाचरण के अंतर्गत। अपने इष्ट की अहेतु की कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। इनके इष्ट देव कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु इष्ट देव। कौन है? चैतन्य। श्री राधा भाव द्विती सुगलित श्री कृष्ण स्वरूप रस उज्ज्वल भाव के मूर्ति विग्रह श्री चैतन्य देव ही इनके इष्ट देव है। किनके? कविराज गोस्वामी। हम लोगों का भी है इष्ट देव। हमारा भी इष्ट देव कौन? चैतन्य महाप्रभु। इष्ट देव का मतलब क्या होता है? हाँ, जिनकी आराधना किया जाता है उनको इष्ट देव कहते हैं। समझ में आया? श्री कृष्ण चैतन्य की वंदना के साथ साथ ग्रंथकार ने इस श्लोक में गुरुवर्ग, भक्त, अवतार, प्रकाश और शक्तियों के भी समान भाव से नमस्कार किया। किस किस का? भगवान के साथ गुरुवर्ग, भगवान, गुरुवर्ग, भक्त, अवतार, प्रकाश, शक्ति। छह हो गया ना? क्या है? भगवान, गुरुवर्ग, भगवान, गुरुवर्ग, भक्त, अवतार, प्रकाश और शक्ति। कितना होगी? याद रखना, कल पूछूंगा। क्या क्या? भगवान, गुरुवर्ग, भक्त, अवतार और शक्ति। भक्त, अवतार, प्रकाश, शक्ति, ठीक है। अवतार, प्रकाश, शक्ति अच्छे है। प्रकाश कौन है?
प्रकाश है अद्वैताचार्य जी। हाँ तो प्रकाश है ना, कृष्ण का प्रकाश है ना, समझ में आया? अद्वैताचार्य जी। शक्ति कौन है? गदाधर पंडित। और अवतार कौन है? बलराम जी। कौन है? और कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। भक्त कौन है? श्रीनिवास आदि। शक्ति गदाधर पंडित। आ गया ना चे? नहीं आया समझ में? क्या क्या? महाप्रभु कौन? स्वयं भगवान। भक्त कौन? श्रीवास आदि। अवतार कौन? नित्यानंद प्रभु। प्रकाश कौन? अद्वैत आचार्य। शक्ति कौन? गदाधर पंडित। कितना हो गया? पांच हुआ ना। और एक गुरुवर्ग आचार्य जी, समस्त गुरुवर्ग। क्या हुआ? समझ में आया नहीं आया? तो छे को प्रणाम किया। वंदे श्री चैतन्य नित्यानंदौ सहदौ गौडीदे पुष्पन्तौ चित्रौ वन्दौ तमोनुतौ तमनुदौ तमनुदौ। क्या कह रहे हैं? मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद की वंदना करता हूँ। अब इष्ट देव का पूर्ण रूप से वंदना किया, ये विशेष वंदन। पहले जो वंदना था वो क्या था? साधारण वंदना। वो क्या था? साधारण वंदना, क्योंकि वो सबको किया ना, साधारण वंदना। अब ये जो वंदना है ये विशेषात्मक वंदना है। कौन सा? तो ये विशेषात्मक वंदना में केवल एक को, एक कौन? चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम। अब चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंदौ, नित्यानंद को भी प्रणाम किया, तो फिर यहाँ तो दोनों का हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान से अलग, भिन्न अलग नहीं है, भगवान ही है। इसलिए नित्यानंद प्रभु स्वतंत्र रहते हैं तो उनके चरणों में भी तुलसी चढ़ा सकते हैं। समझ में आया? नित्यानंद प्रभु को ऐसे स्वतंत्र रूप से आराधना करेंगे तो उनके चरणों में भी तुलसी चढ़ा सकते, जैसे कृष्ण के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में तुलसी चढ़ाते हैं ना, ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में भी तुलसी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि नित्यानंद क्या है? सभी विष्णुओं का मूल है। नित्यानंद प्रभु कौन है? सभी विष्णु का मूल है। इसीलिए नित्यानंद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए ये विशेषात्मक वंदना है। नित्यानंद और कृष्ण मतलब बलराम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है। समझ में आया? अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पे विशेषात्मक वंदना कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की वंदना होने पर भी इस श्लोक में विशेषात्मक मंगलाचरण कहा गया है, क्योंकि श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व। स्वरूपतः कोई भेद नहीं, दोनों एक ही तत्व है। अब कह रहे हैं यद्वैत्वं ब्रह्म उपनिषदादि तदप्यस्य अनुभा। क्या कह रहे हैं? उपनिषदों में जिनको अद्वैत ब्रह्म कहा जाता है वे मेरे प्रभु की अंग कांति है। उपनिषदों में जो मायावादी लोग, जो ब्रह्मवादी लोग भगवान की ज्योति को मानता है, निर्विशेष ज्योति, वो ज्योति कौन है? वो तो वो ज्योति है भगवान की अंग कांति। कहां से निकलता है? भगवान के चरण नख की कण से वो ज्योति निकलता है।
अगर भगवान ही नहीं होगा तो ज्योति कहाँ से आएगा? ज्योति देखो, ये लोग इतने मूर्ख है, ज्योति आने का स्रोत तो होगा ना कि अपने आप ही प्रकाश होता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य मंडल से सूर्य का ये प्रकाश निकला है ना, सूर्य ही नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश कैसे होगा? मूर्ख लोग नहीं होता, केवल प्रकाश को मानेगा पर सूर्य मंडल को नहीं मानेगा। सूर्य मंडल नहीं होगा तो प्रकाश होगा? बल्ब नहीं होगा तो बल्ब बल्ब की रोशनी निकलेगा? रोशनी को बांधा नहीं जा सकता है, रोशनी फैलता ही जाता है, नहीं होता ऐसा? पर बल्ब तो आकार युक्त है ना, समझ में आया? रोशनी निराकार युक्त हो सकता है, पूरा आकार नहीं है, खाली रोशनी रोशनी है, पर बल्ब तो आकार युक्त है जहां से रोशनी आ रही है। तो रोशनी आने का भी स्रोत होता है, स्रोत क्या है? आकार। तो ज्योति का स्वरूप क्या है? भगवान। ब्रह्म ज्योति का स्वरूप क्या है? भगवान, जहां से ज्योति निकल रहा है। तो ये निर्विशेषवादी समझ नहीं पाता, मूर्ख है, पागल है, जो समझ नहीं पाता कि भगवान का सुंदर आकार है, वो समझ नहीं पाता। एक बार गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी कहीं कथा हो रही थी भागवत की, तो उसमें दिव्य छटा भगवान की लीलाओं की कथा आई भागवत में कि भगवान का कितना सुंदर रूप है, देव की मैया वर्णन कर रही है। तो उन्होंने कहा निर्विशेष मायावादी दुष्ट लोग होते हैं, अंधे और लोग अंधा है जो भगवान के इतने सुंदर रूप का वर्णन किया, दिखाई नहीं देता है, ऐसा कहा। तो वहाँ बहुत सारे निर्विशेषवादी थे और वो लोग को बहुत गुस्सा आया ये बात सुन के। वो लोग शाम को उनके पास आए शास्त्रार्थ करने, बता आपने जो शाम को ऐसी कथा सुनाया, हम उसके विषय में चर्चा करने हैं। किस विषय की चर्चा? ना हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं कि आपने कहा निराकार नहीं होता, ये होता वो होता है। तो उन्होंने कहा किस शास्त्र के ऊपर अर्थ करेंगे, कोई शास्त्र तो होगा ना, शास्त्र अर्थ तो कोई ना कोई शास्त्र तो होगा जिसके ऊपर आप अर्थ करेंगे, ऐसा कहा। तो बोलते किस शास्त्र के ऊपर? वो तो कोई सा भी, बोलते कोई तो शास्त्र होगा ना, गीता है भागवत है, किसके ऊपर आप अर्थ करेंगे? बोलते हाँ गीता ठीक है। अब गीता तो इस्कॉन वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको अच्छा लगा, वो बढ़िया है। गीता का एक श्लोक लिया और बोला ब्रह्मण प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। भगवान गीता ने कहा ब्रह्म मतलब प्रकाश के प्रतिष्ठा कौन है? मैं हूँ, प्रकाश मेरे से है। तो बोलते इसमें भगवान कहाँ कह रहे कि मैं नहीं, इसमें तो भगवान कह रहे मैं हूँ, यह भी मेरे से निकला है, इसमें कहाँ कह रहे कि भगवान ने। तो दूसरा उसके साथ वाले को तो गीता ही क्यों बोला, और कोई था नहीं बोलने के लिए, गीता ही क्यों बोला, अब हम हार जाएंगे, गीता ही क्यों, ऐसा समझ में आया। तो निर्विशेषवादियों के पास कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान को निराकार करके साबित करें, समझ में आया, उसका आधार ही नहीं है, क्योंकि निराकार का कोई आधार नहीं होता। आकार का तो आधार है, निराकार का कोई प्रकार का आधार नहीं। निराकार भी कहेंगे तो पहले आकार लगाना ही पड़ेगा, तब जाके निराकार बनेगा, नहीं तो बनेगा ही। निराकार का स्वतंत्र आधार नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है निराकार का स्वतंत्र। आकार के बिना निराकार का स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं है। उजाले के बिना अंधेरा का कोई अस्तित्व है? पर उजाला स्वयं में अस्तित्व है, दिखाई देता है, अंधेरे में क्या दिखता है? कुछ भी नहीं, उसका कुछ अस्तित्व नहीं, समझ में आया। कुछ दिखता है अंधेरे में? पेड़ पौधा गाय भैंस बकरी कुत्ता दिखता है अंधेरे में? नहीं दिखता। तो उसका स्वयं की कोई अस्तित्व नहीं है, समझ में आया।
पर आकार में स्वयं में अस्तित्व है। तो इसलिए ब्रह्मणों प्रतिष्ठा अहम, इसमें जो मेरे प्रभु के अंग कांति है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति। योग शास्त्र में अंतर्यामी पुरुष या परमात्मा कहते हैं, वे मेरे प्रभु के अंश स्वरूप है। भगवान के अंश स्वरूप विष्णु, और भगवान के क्या है, परमात्मा स्वरूप विष्णु। परमात्मा का आश्रय एवं अंशी स्वरूप षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है। भगवान, ये जो षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, वो भगवान मेरे प्रभु है। कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु षट ऐश्वर्य युक्त है। श्री चैतन्य की अपेक्षा जगत में कोई और परतत्व अर्थात श्रेष्ठ तत्व नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अलावा जगत में कोई परतत्व या श्रेष्ठ तत्व नहीं है। समझ में आ रहा है? उनके अलावा कोई परतत्व या श्रेष्ठ तत्व नहीं है। इसलिए अनार्पित चरीम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयी उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपीत सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। वह सचिनंदन, वो सुवर्ण कांति समूह के द्वारा दिदीप्यमान वह सचिनंदन गौरहरि सदा मेरे हृदय या सबके हृदय में स्फुरित हो। क्या हो? सबके हृदय में स्फुरित हो। जिस सर्व उत्कृष्ट उज्ज्वल रस का दान चिरकाल से किसी अवतार ने नहीं किया, जिस सर्व उत्कृष्ट उन्नत रस उन्नत भक्ति की जो दान, जो प्रेम भक्ति का दान भगवान के किसी भी अवतार ने नहीं किया, कृष्ण ने भी नहीं किया। उदान किसने किया? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वो दान दिया। उसी संपत्ति का दान करने के लिए वे परम करुणा अवतार वशतः कलियुग में अवतीर्ण हुए। कौन हुए? भगवान चैतन्य महाप्रभु। वही प्रेम का दान करने के लिए कलियुग में अवतीर्ण हुए। क्या? वंशा कल्पित कृपा सिंधु परम परिश। बाकी हम कल सुनाएंगे।